धुआं निकला दिल से। हैप्पी होली दिल से। हाँ भाई, मेरी तरफ से दिल से आप लोगों को हैप्पी होली। बाकी खैर, अभी गाइस मैं आप लोगों के लिए होली स्पेशल आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। भाई काफी मस्त और काफी रेयर रेयर बंडल आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिलेंगे। ये हुई ना बात। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के साथ साथ फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई, हमको तो यार इंडिया सर्वर के अंदर फ्री मैजिक क्यूब भी मिलने वाला है। देन गाइस, आज हम लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले एक रिडीम कोड के बारे में बात करेंगे, जो रिडीम कोड बहुत स्पेशल है। अरे भाई, ये क्या हो गया इन दीदी को, डेली वीडियो में और पूछने आ जाती हैं। भाई इनका मैं क्या करूँ, कैसे मेरी वीडियो से हटेंगी आप लोग कमेंट्स में बताओ। बट खैर, अब इनने पूछ ही लिया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज इस वीडियो में आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में बताऊंगा। फिर यार इसी के साथ साथ और भी काफी सारे अपकमिंग पेड इवेंट्स हैं, अपकमिंग फ्री इवेंट्स हैं, जिनके बारे में आप लोगों को ये वीडियो में पता लगने वाला है। लिटरली गाइस, आप लोग बस आज के वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। हाय हाय। बाकी अभी यार हम लोग फिलहाल बातों में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले गाइस, मैं आपको हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये पोस्टर देखो। भाई ये पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कल 25 तारीख को एक फ्री इवेंट आने वाला है, जिस फ्री इवेंट के अंदर से आप लोगों को पिचकारी यानी कि एक बैट का स्किन फ्री मिलेगा। साथ ही साथ इस इवेंट के अंदर से आप लोगों को MP40 की क्रेट वगैरह भी फ्री में मिलने वाली है। देन तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर एक और पोस्टर देखो। भाई ये भी टुनाइट अपडेट का ही पोस्टर है। एंड इस पोस्टर के अकॉर्डिंग कल हम लोगों को 3 स्पेशल लग रॉयल वाउचर फ्री मिलने वाले हैं, जिनसे आप लोग होली रिंग इवेंट के अंदर स्पिन कर पाओगे। फिर तो गाइस बस इतना ही नहीं, कल 25 तारीख को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर एक स्टोर डिस्काउंट भी आने वाला है, जो स्टोर डिस्काउंट का भी पोस्टर आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। जी हाँ, तो गाइस देखो, अभी ना मैंने आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अपकमिंग एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन टुनाइट अपडेट के बारे में बता दिया है। इसीलिए तो यार अभी हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। सच में यार, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसकी डिमांड काफी टाइम से काफी ज्यादा आ रही थी। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में बता दो। इसलिए गाइस फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं, मिस्ट्री शॉप इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ गाइस पिछले कुछ 4-5 महीनों से करीना एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। एंड अगर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊं तो पिछले साल दिसंबर में गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर पहले मिस्ट्री शॉप इवेंट आया था। फिर उसके बाद इस साल जनवरी में हमारे गेम के अंदर लगी वेल डिस्काउंट इवेंट आया। देन फिर गाइस फरवरी में हमारे गेम के अंदर वापस से मिस्ट्री शॉप इवेंट आया था। एंड मार्च यानी कि इसी मंथ हमारे इंडिया सर्वर के अंदर लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो देखो गाइस, अभी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अप्रैल में मिस्ट्री शॉप इवेंट आने वाला है। मैं जानता हूं अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर अप्रैल में मिस्ट्री शॉप इवेंट आने वाला है तो आप मिस्ट्री शॉप इवेंट की कंफर्म डेट बता दो, मिस्ट्री शॉप इवेंट का जरा हमें भी रिव्यू करवा दो। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर जो मिस्ट्री शॉप इवेंट नेक्स्ट मंथ आएगा वो आएगा 5 तारीख के दिन। बाकी अगर अभी हम लोग मिस्ट्री शॉप इवेंट के रिव्यू की बात करें तो भाई मिस्ट्री शॉप के आने से 2-3 दिन पहले करीना उसका प्री एक्सेस हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड करता है। तो भाई मैं आप लोगों को 2 या फिर 3 अप्रैल के दिन मिस्ट्री शॉप इवेंट का पूरा कंप्लीट रिव्यू करवा दूंगा। बट अभी यार हमारे गेम की फाइल के अंदर मिस्ट्री शॉप इवेंट का प्री एक्सेस अवेलेबल नहीं है, वो तो जस्ट आप लोग काफी सारे कमेंट कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ 5 अप्रैल को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप इवेंट आएगा। अभी चिंता मत करो, बहुत जल्द आप लोगों को प्री एक्सेस भी करवा दूंगा। लेकिन क्योंकि अभी मिस्ट्री शॉप इवेंट का इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और भाई अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट एक फेडेड व्हील के बारे में। यहाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ना ये पोस्टर देखो। ये पोस्टर के अकॉर्डिंग गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द बबल वेव वाला फिश का स्किन आने वाला है। अब आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये बबल वेव वाला फिश का स्किन कब और कौन से इवेंट में हमारे गेम के अंदर आने वाला है। लेकिन भाई जो लोग नए व्यूअर्स है मैं उनको बता दूं, ये फिश का स्किन 27 मार्च के दिन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कुछ इस तरीके के एक फिटेड व्हील में आएगा। जी हां गाइस, आप लोग स्क्रीन पर ये जो एग्जैक्ट फिटेड व्हील देख पा रहे हो, 27 मार्च के दिन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये फिटेड व्हील आएगा। एंड आप लोग यहां पर से एक नई फिश की स्किन ले पाओगे। हां तो भाई देखो, अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक फिटेड व्हील के बारे में भी बता दिया है। तो अभी गाइस हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक रिडीम कोड के बारे में। जी हां, तो गाइस फिर से वही वाला डायलॉग मुझे मारना पड़ेगा कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा जो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर रिडीम कोड आने वाला है वो आएगा 6, 7 और 8 अप्रैल के दिन। जी हां गाइस, 6 तारीख को डे 1 वाला रिडीम कोड आने वाला है, जिस रिडीम कोड को 20,000 लोग रिडीम कर पाएंगे। एंड उस डे 1 वाले
रिडीम कोड के अंदर से लॉल इमोट मिलने वाला है। फिर इसके बाद गाइस जो डे टू का रिडीम कोड है वो आएगा 7 तारीख के दिन। डे टू के रिडीम कोड से आप लोग एक ग्लू वॉल का स्किन रिडीम कर पाओगे। फिर आखिर में गाइस डे 3 जिस दिन पीक डे रहेगा उस दिन के रिडीम कोड से आप लोग एक मेल बंडल रिडीम कर पाओगे। अब देखो गाइस जो रिडीम कोड आने वाला है डे 1 डे 2 और डे 3 का, ये रिडीम कोड है तो बहुत ज्यादा स्पेशल। इन रिडीम कोड के अंदर से काफी रेयर रेयर आइटम मिल रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यही है कि ये रिडीम कोड की जो लिमिट है वो 20,000 लोगों की है। हाँ भाई, डे 1 वाला रिडीम कोड जैसे ही अनाउंस होगा सिर्फ 20,000 लोग उसको रिडीम कर पाएंगे, फिर रिडीम कोड एक्सपायर हो जाएगा। सेम गाइस डे 2 और डे 3 में भी होने वाला है, रिडीम कोड आएगा, 20,000 लोग रिडीम कोड रिडीम करेंगे एंड रिडीम कोड एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए गाइस अगर आप लोगों को रिडीम कोड चाहिए तो आप लोगों को रिडीम कोड को 20,000 लोगों में रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार 20,000 लोग रिडीम कोड रिडीम कर लेंगे तो रिडीम कोड तो एक्सपायर हो जाने वाला है। तो यार आप लोगों को सबसे पहले रिडीम कोड रिडीम करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आखिर रिडीम कोड आप लोगों को मिलेगा कहां पर से। तो देखो गाइस ये जो रिडीम कोड है करीना ने मुझे एंड फ्री फायर कम्युनिटी के और भी कुछ यूट्यूबर्स को ऑलरेडी दे दिया है। आप लोग स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो, ये मैंने करीना की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रिडीम कोड को पेस्ट किया एंड भाई ये रिडीम कोड रिडीम भी हो चुका है। तो देखो गाइस साफ साफ बताऊं तो जब ये रिडीम कोड करीना ने हमें दिया था तो क्लियर क्लियर करीना ने सभी को बोला है कि ये रिडीम कोड को 6, 7 और 8 तारीख के दिन दोपहर 12 बजे अनाउंस करना है। अगर दोपहर 12 बजे से पहले कोई भी यूट्यूबर इसको अनाउंस कर देगा तो करीना उस पर एक्शन लेगा, यानी कि स्ट्राइक वगैरह दे सकता है। बट भाई देखो सच बता रहा हूं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं। आप लोग देख सकते हो भाई मेरी वीडियोस में 50-60 हजार व्यूज आ जाते हैं एंड और भी फिर फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स हैं जिनमें किसी के 10,000 व्यूज आते हैं, किसी के 1,00,000 व्यूज आते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचो अगर सभी लोग एक साथ दोपहर 12 बजे रिडीम कोड को देंगे तो भाई हवा की तरह ये रिडीम कोड एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट सिर्फ 20,000 लोगों की है। इसीलिए भाई साफ साफ बता रहा हूं, मैं ये रिडीम कोड आप लोगों को 6, 7 और 8 तारीख के दिन सुबह 11 बजे ही दे दूंगा। भाई करीना ने बोला है 12 बजे, बट मैं 1 घंटा पहले दूंगा। आप लोगों के लिए इतना रिस्क ले रहा हूं, तो भाई बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, जिससे कि यार जैसे ही मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करूं रिडीम कोड वाला आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन है और आप लोग वीडियो को चेकआउट करके रिडीम कोड को रिडीम कर सको। तो देख लो भाई सब्सक्राइब कर लो एंड 6, 7 और 8 तारीख के दिन रिडीम कोड मैं आप लोगों को सबसे पहले दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ तो गाइस देखो फिलहाल मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले रिडीम कोड के बारे में बता दिया है एंड और भी कुछ अपकमिंग अपडेट्स एंड इवेंट्स है जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसीलिए तो भाई अभी हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अभी गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। हाँ भाई पहले मैं आप लोगों को ना मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन मैं आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जितने भी बंडल्स गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जब हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट आएगा तो अपडेट के बाद हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में यही सारे बंडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भाई ये बंडल ना बहुत ज्यादा मस्त है, बाकी वैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे इन बंडल में काफी सारे ऐसे भी बंडल हैं जो बंडल ऑलरेडी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में काफी टाइम तक रह चुके हैं। हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 1-2 महीने पहले मैजिक क्यूब स्टोर में अवेलेबल था, कोई 3-4 महीने पहले। हाँ भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का फेवरेट काफी ज्यादा रेयर बैंडेड बंडल भी अवेलेबल है। जी हाँ गाइस, पहले के टाइम पर ये मैजिक क्यूब स्टोर में बस ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन जब से करीना ने इसको मैजिक क्यूब स्टोर से रिमूव किया है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। बट कोई नहीं गाइस, आप लोग चिंता मत करो, नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में बैंडेड बंडल भी हमारे गेम के अंदर ऐड होने वाला है। हाँ तो गाइस देखो फाइनली ना मैंने आप लोगों को सारे के सारे वो बंडल दिखा दिए हैं जो कि इस बार हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होंगे। जी हाँ गाइस, जितने भी बंडल का रिव्यू आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है यही वो सारे बंडल है जो इस बार हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। तो पर्सनली बताओ तो भाई मुझे तो ये सारी बंडल काफी अच्छे लगे। बाकी फिलहाल गाइस अभी आप लोग भी मुझे कमेंट से बताओ कि आपको ये मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले बंडल्स कैसे लगे। देन फिर तो गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इस बार मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में सिर्फ बंडल ही नहीं 2 गन स्किन भी ऐड होने वाले हैं। जी हां गाइस, आप लोग भी स्क्रीन पर देखो, ये जो गाइस आप लोग पैराफेल का स्किन और यूएमपी का स्किन स्क्रीन पर देख पा रहे हो यही दोनों वो गन स्किन है जो कि इस बार मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होंगे। भाई काफी सारे बंडल्स भी मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले, फिर तो गन स्किन भी मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाली है। तो इसलिए गाइस मैं तो इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी फिलहाल अभी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का रिव्यू करवा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल अभी गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये जो आप लोग फ्री मैजिक क्यूब इवेंट स्क्रीन पर देख पा रहे हो यार, ये एक रमजान स्पेशल फ्री मैजिक क्यूब इवेंट है। इस इवेंट के अंदर से हम लोगों को सबसे पहले तो लॉग इन करने पर 8 घंटे के लिए कस्टम कार्ड मिलेगा, फिर गाइस कुछ मिनट गेम खेलने पर हम लोगों को यहाँ पर से 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट भी मिलने वाले हैं। और आपको तो पता ही है 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट एक्सचेंज करने पर एक मैजिक क्यूब मिलता है। तो सिंपल बोलो तो यार इस इवेंट के अंदर से एक मैजिक क्यूब और एक कस्टम कार्ड मिलेगा। बाकी अगर अभी हम लोग यार ये इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बात करें तो देखो गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 29 मार्च से रमजान इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसी वजह से चांसेस है कि हम लोगों को 3 या फिर 4 मार्च को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये फ्री मैजिक क्यूब इवेंट देखने को मिले। बाकी अगर अभी हम लोग मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट की बात करें तो भाई जितने भी मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले आइटम्स मैंने आप लोगों को दिखाए ये सारे
सारे ही आइटम 1 अप्रैल के दिन हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होंगे। हाँ भाई, अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूँ, 1 तारीख को ही ऐड होने वाले हैं, इसलिए 1 अप्रैल बोला। अब ऐसा मत सोचना कि अप्रैल फुल बना दिया। बाकी फिलहाल तो गाइस देखो, अभी मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में बता चुका हूँ, एंड और भी काफी सारे इवेंट्स है जिनका इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। इसलिए यार हमेशा की तरह अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में, जिन कमेंट्स को मैंने कल की वीडियो से पिक कर रखा है। हाँ तो गाइस देखो, हमारा जो आज का सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में ये बंदे ने लिखा है नेक्स्ट भूया पास। देखो यार, यही नहीं बहुत सारे बंदे हैं जो कि नेक्स्ट भूया पास का रिव्यू देखना चाहते हैं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑलरेडी नेक्स्ट भूया पास का रिव्यू अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों को नेक्स्ट भूया पास वाला मेरा वीडियो देखना है तो गाइस मैं आप लोगों को लिंक पिन कमेंट्स में दे दूंगा, आप लोग पिन कमेंट्स वाली वीडियो से नेक्स्ट भूया पास को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी तो यार हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में टेक्निकल आयुष 520 ने लिखा है, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिलों से खेलते हैं, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिलों से खेलते हैं, और हमें क्या है, हम तो सिंगल है, हम तो सिर्फ फ्री फायर खेलते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या तगड़ा शायरी है, एकदम मजा ही आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ तो भाई, हमारे अगले कमेंट में ये बंदा लिखता है कि उज्जवल भाई, गर्लफ्रेंड मिले आपको अपने हक की, उज्जवल भाई आपको गर्लफ्रेंड मिले अपने हक की, और आप यूट्यूब पर हमेशा करो तरक्की। अरे थैंक यू भाई, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। बाकी अभी यार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृतार्थ गेमर का कमेंट, जिस कमेंट में कृतार्थ भाई लिखते हैं, उज्जवल भाई ये शायरी आपके लिए, आप हमारे बॉस और हम आपके सब्सक्राइबर, आप हमारे बॉस और हम आपके सब्सक्राइबर, करते रहेंगे आपको सपोर्ट जब तक है जान शरीर के अंदर। वाह भाई वाह, ये तो और भी खतरनाक शायरी था, क्या मस्त मस्त शायरी बनाते हो तुम लोग, मजा ही आ जाता है। बाकी अभी हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में बंदे ने लिखा है, ग्रीना ने कर दी मेरे पैसों की बर्बादी, ग्रीना ने कर दी मेरे पैसों की बर्बादी, और उज्जवल भाई कब कर रहे हो आप शादी? अरे ना ना भाई, अभी तो यूट्यूबर बनने का इरादा है, शादी वादी तो दूर की चीज है। बाकी खैर अभी तो हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे लकी सब्सक्राइबर का कमेंट। जी हां, तो गाइस आज का हमारा लकी सब्सक्राइबर है आरसीबी फैन ऑफिशियल, एंड ये बंदे ने कल कमेंट में लिखा था, हैप्पी होली उज्जवल भाई, प्लीज मेरा कमेंट स्क्रीन पर दिखा दो प्लीज। देखो यार, कल ये बंदे ने सबसे ज्यादा कमेंट करे थे, एंड अपने हर एक कमेंट में बंदा रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया मेरा कमेंट दिखा दो, इसलिए यार मैंने इस बंदे का कमेंट स्क्रीन पर दिखा दिया है। बाकी अगर गाइस आप लोग भी चाहते हो कि मैं ऐसे आप लोगों का कमेंट भी पिक करूं, आप लोगों के कमेंट को स्क्रीन पर दिखाऊं, उसका रिप्लाई भी दूं, तो उसके लिए यार आप लोग भी आज की वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स कर देना। हां गाइस, कम से कम 6-7 कमेंट तो कर ही देना। बाकी अब मैं मिलता हूं यार आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।